Hello everyone, welcome to my channel Abacus and Numerology Science. अब तक मैंने आपको बताया एबेकस के बारे में, एबेकस हम कैसे फन वे में यूज करके किड्स को मैथ्स पढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने एबेकस रूल के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी है। उसके बाद हमने एबेकस का काउंटिंग भी देख लिया है कि एबेकस टूल पे हम कैसे काउंटिंग कर सकते हैं। तो आज हम रैंडमली कुछ नंबर्स लेके उसी एबेकस टूल पे कुछ प्रैक्टिस करेंगे। सो ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। आज मैंने बोर्ड पे इसलिए बताया है कि कई बच्चे अभी इनिशियल में जो मेरा वीडियो देख रहे हैं कि सीखना चाहते हैं कि हाँ ठीक है हम भी मैथ सीखे, लेकिन अभी एट प्रेजेंट एबेकस टूल्स आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो हम बुक पेपर कहीं पे भी हम एबेकस का उनको रिवीजन करा सकते हैं। तो इसलिए मैंने आज बोर्ड पे लिया है, हम दोनों तरफ देखेंगे, बोर्ड पर भी देखेंगे और एबेकस टूल पर भी देखेंगे कि कैसे हमारा नंबर काउंटिंग होता है। हमारा फर्स्ट एग्जांपल नंबर 4। यहाँ मैंने 3 रॉड्स बनाए, हंड्रेड्स, टेंस, यूनिट्स। अब ओनली सिंगल नंबर 4 है तो हम यूनिट्स रॉड पे 4 बिट्स अप कर देंगे, 1, 2, 3 and 4। अब हम देखते हैं एबेकस टूल पे 4 कैसे बनाएं। यूनिट्स रॉड पे 4 बिट्स अप, 1, 2, 3 and 4। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं नंबर 7। नंबर 7 के लिए हमें सबसे पहले ऊपर का 5 बिट लेना है डाउन। ये हो गया मेरा अपर बिट 5 डाउन एंड नीचे से आएगा 2 बिट्स अप, 1, 2 मीन्स 5, 6 and 7। ये अब एबेकस टूल पे हम देखेंगे नंबर 7। यूनिट रॉड पे लेंगे 5 का बिट डाउन एंड नीचे से लेंगे 2 बिट्स अप, 5, 6 and 7। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं नंबर 9। 9 नंबर के लिए भी हमें अपर बिट यानी 5 लेना है डाउन और नीचे से करना है 4 बिट अप, 1, 2, 3 and 4। तो ये हो गया 5, 6, 7, 8 and 9। अब नंबर 9 के लिए 5 डाउन, 1, 2, 3, 4 अप, 5, 6, 7, 8 and 9। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम नंबर 12, 1, 2, 12। अब 1 के लिए हमें लेना है 10th रॉड पे 1 बिट अप और 2 के लिए हमें लेना है यूनिट्स रॉड पे 2 बिट्स अप, 1 और ये 2 बिट्स, 1, 2, 12। अब एबेकस टूल पे हम नंबर 12 लेंगे, उसके लिए ये यूनिट्स रॉड है, ये टेंस रॉड है, 1, 2, 12। टेंस रॉड पे होगा 1 बिट अप, यूनिट्स रॉड पे होंगे 2 बिट्स अप, 1, 2, 12। नेक्स्ट नंबर है 1, 5, 50। इसके लिए हमें जाना होगा टेंस रॉड पे 1 बिट अप एंड अब यूनिट रॉड्स पे, एनी गेसेस? यस, 5 के लिए ऊपर का सिंगल बिट डाउन, सो दिस इज 1, 5, 15। अब नंबर 15 टेंस रॉड पे फिर से 1 बिट अप, यूनिट रॉड पे 5 का बिट होगा डाउन, 1, 5, 15। नंबर 20 के लिए हम जाएंगे टेंस रॉड पे 2 बिट्स अप और यूनिट रॉड पे, क्योंकि यूनिट्स की वैल्यू 0 है तो हम कोई भी बिट्स को अप नहीं करेंगे, तो ये हो गया 20। अब एबेकस टूल पर हम देखेंगे 20 के लिए हम कैसे करें। यूनिट्स, टेंस, टेंस में हम लेंगे 2 बिट्स अप और यूनिट्स में हम
कुछ भी नहीं लेंगे, 2020। नेक्स्ट नंबर इज नंबर 50 के लिए हम 10th रोड पे अपर बीट को करेंगे डाउन, और यूनिट्स रोड पे क्या आएगा, कुछ भी नहीं, कोई भी बीट ना अप होगा ना डाउन होगा, तो यूनिट्स रोड पे जो आंसर रहेगा वो रहेगा 0, तो इट्स 5050। यूनिट्स पे हम लेंगे नो वैल्यू, मीन्स 0 वैल्यू आ जाएगा। 10th रोड पे हम 5 का बीट डाउन करेंगे, 5। यूनिट्स रोड पे हम कोई भी वैल्यू मूव नहीं करेंगे, 5050। नंबर है 83 के लिए हम लेंगे 10th रोड पे 5 का वैल्यू डाउन, और नीचे लेंगे 3 बिट्स अप, 1 2 3, ये हो गया 5 6 7 8, और यूनिट्स रोड पे लेंगे हम 3 बिट्स अप, 1 2 एंड 3, सो 83। 83 नंबर हम देखेंगे टूल पे, उसके लिए लेंगे 5 डाउन एंड 3 अप ऑन द 10th रॉड, 5 6 7 एंड 8, एंड यूनिट्स रॉड पे लेंगे 3 अप, 1 2 3। चलते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ। नेक्स्ट नंबर है 9999। इसके लिए हम 10th रॉड पे बनाएंगे 9, दैट इज 5 6 7 8 एंड 9। नेक्स्ट रॉड पे भी हम लेंगे 9, 5 को लेंगे डाउन, दैट इज 5 6 7 8 एंड 9 9 9 99। अब 99 को हम टूल्स पे देखेंगे। अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे टूल्स पे हम नंबर्स कितने इजीली मूव कर सकते हैं। सो 99 के लिए 10th रोड पे रहेगा 5 डाउन एंड 4 अप, 50 60 70 80 90। और अब यूनिट्स रोड पे सेम 5 डाउन 4 अप, 5 6 7 8 एंड 9, सो ये हो गया 9999।